जिससे अर्थात इस मामले में कतई भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं पूरे देशवासियों को ये भी जरूर कहना चाहूँगी कि जब इस पार्टी के लोग व इनके रिश्ते नाते रातों रात धन्ना सीट बन जाते हैं तो वे उसे जायज ठहराते हैं। और यदि हमारे इन वंचित वर्गों में से कुछ लोग अपने खुद के कारोबार करने के मामले में थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो तब फिर इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और फिर वे सत्ता व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपना इनसे जातिवादी द्वेष निकालते हैं जो जग जाहिर है वह अति निंदनीय भी है। इसके साथ साथ यहाँ मैं इन वर्गों के ऊपर कुछ भी उंगली उठाने से पहले ही बीजेपी के लोगों से ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि वे इस मामले में कुछ भी उंगली उठाने से पहले खुद भी अपने गिरेबान में ज़रूर झांक कर देखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर भी यदि वे अपने आप को हरिचंद मान के चलते हैं, पुराने ज़माने का कहते हम तो बहुत ईमानदार हैं, दूध के धुले हुए हैं, और फिर भी यदि वे अपने आप को हरिचंद मान के चलते हैं तो फिर वे एक बार यहाँ सभी की ये ज़रूर जांच करवा लें कि राजनीति में आने से पहले उनके व उनके परिवार वालों के पास कितनी संपत्ति थी और अब कितनी है, ताकि देश के सामने दूध का दूध व पानी का पानी साफ हो जाए। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी ख़ास तौर से बीजेपी के बारे में कि चुनाव के दौरान ये तो पेपरों में भी छपा है कि चुनाव के दौरान लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपए तो बीजेपी के बैंक खाते में आए हैं, 2000 करोड़ से ज़्यादा। और ये सब, लेकिन उनका आज तक खुलासा नहीं हुआ कि ये पैसे किसने दिए हैं इनके चुनाव के दौरान, और जिस पैसे से इन्होंने इन जो गरीब लोग हैं, जो दुखी पीड़ित लोग हैं, उनके पैसों से, उसी पैसे से जिसका इन्होंने आज तक खुलासा नहीं किया, जो चुनाव के दौरान 2000 करोड़ से ज़्यादा जो संपत्ति आई है और इनके बैंक खातों में गई है, क्या ये बेनामी संपत्ति नहीं है जिसका इन्होंने आज तक खुलासा नहीं किया है? और उसी पैसे से इन्होंने पूरे देश में अभी जो लोकसभा काम चुनाव होकर हटा है तो उसी पैसे से इन्होंने गरीबों के, मजलूमों के वोट खरीद के अब ये लोग सत्ता में बैठे हैं। ईवीएम में भी गड़बड़ किया और जो हर प्रकार के हथकंडे, जहाँ पे ईवीएम में ये कामयाब नहीं हो पाए तो वहाँ पर इन्होंने, तो ये जो बेनामी संपत्ति जो इनके बैंक के खाते में है, तो जो जमा है जिसका इन्होंने आज तक खुलासा नहीं किया है, ये संपत्ति किन की है इसका भी खुलासा हो जाना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, पूरे देशवासियों को मालूम होना चाहिए। और इतना ही नहीं, तो अब ये दोबारा केंद्र की सत्ता में आए हैं ये बीजेपी वाले, पहले तो अब तिवारा मान के, मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को छोड़ दो, ये जो इनकी अब ये जो दूसरी सरकार है श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह एंड कंपनी के लोगों की, ये दूसरी केंद्र में सरकार है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब से ये पावर में आए हैं तो पूरे देश में इन्होंने पार्टी के नाम से अरबों खरबों की संपत्ति दफ्तर के लिए खरीदी है, वो पैसा कहाँ से आया है उसका भी खुलासा होना चाहिए, ये क्या बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है? तो मैं समझती हूँ कि जब ये सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा तो मेरे ख्याल ये ख़ास तौर से जो दबे कुचले लोगों को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आज मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इनके जो इस किस्म के हथकंडे चल रहे हैं दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को, वो आर्थिक क्षेत्र में मजबूत ना हो, व्यापार आदि ना करें, उन्हें घबराना नहीं चाहिए इस किस्म के ये जो उंगली उठा रहे हैं, हमारे लोग ये सोचें कि जब ये बहन जी को नहीं बख्श रहे तो हमें कैसे बख्शेंगे, और वो घबरा कर अपने घर में बैठ जाए, ऐसा नहीं,
उनकी बहन जी उनके साथ खड़ी है, यदि किसी और के साथ भी इस किस्म की जाति होगी तो हमारी पार्टी पीछे नहीं हटेगी और उनके लिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए पूरी आवाज़ उठाएगी। और बड़े दुख के साथ यहाँ ये भी कहना पड़ता है कि जब से ये केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है और इस बार तो उन्होंने अपने सरकार के राष्ट्रपति के अभिभाषण में और बजट में भी इस बात को क्लियर किया है कि रेलवे विभाग जिसमें सबसे ज़्यादा इन वर्गों के लोग सरकारी कर्मचारी हैं, इनको नौकरी काफ़ी इस विभाग में मिलती है और भी विभाग हैं, उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग और अन्य विभागों को हम निजी हाथों में देंगे, प्राइवेट सेक्टर में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था की है, दी है, तो उसे अब ये लोग प्राइवेट सेक्टर के जरिए, निजीकरण के जरिए, क्योंकि यहाँ पर इन वर्गों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसके जरिए इसको ये ख़त्म करने में लगे हैं। तो ये काफ़ी गंभीर बात है और ये सारी बातें मैं मीडिया के सामने इसलिए रख रही हूँ कि हमारे लोग तो सरकारी नौकरियाँ ये ख़त्म कर रहे हैं और यदि छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं और वो सोचे कि बहन जी के भाई को नहीं बख्शा, हमें क्या बख्शेंगे, और घबरा कर ये लोग कारोबार ना करें, इनको घबराना नहीं चाहिए, इनको कारोबार करना चाहिए और इनको व्यापार में भी जाना चाहिए, और यदि इनके साथ जाती होगी तो हमारी पार्टी उसके लिए युद्ध स्तर पर संघर्ष करेगी, इनको पीछे नहीं हटना है। और जो मैंने बात ये कही है कि इनके पास जो इन्होंने जो अरबों खरबों की संपत्ति अपनी सरकार के रहते हुए पूरे देश में खरीदी है, उसका हिसाब दे दें, पहले क्यों नहीं खरीदी जब ये पावर में नहीं थे, अभी क्यों खरीदी, और चुनाव के दौरान जो पैसा है उसका खुलासा नहीं किया, कहाँ से किया, ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या हमने किसी भी आदमी से पैसा नहीं लिया, पूंजीपति से, ये सब लोगों को मालूम है, तो हम तो बिल्कुल खुली किताब हैं। लेकिन ये सोचे कि हमारे लोगों को ये बिल्कुल फिर से सदियों की तरह जैसे पहले इनको गुलाम और लाचार बना के रखा, वो हमारी पार्टी इनको बिल्कुल नहीं बनने देगी। ये मैं बीजेपी एंड कंपनी और आरएसएस के लोगों को खुली चेतावनी देती हूँ, चाहे आप कितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर लो, बीएसपी बिल्कुल घबराने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है और मैदान में डटी रहेगी। धन्यवाद। तो आप मायावती को सुन रहे थे। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला है। कल हमने देखा था किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मायावती के भाई और उनकी पत्नी की बेनामी संपत्ति को जब्त किया था, जिसके बाद अब मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला है। अरुण जेटली फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल